नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आज बातचीत देश की एक और शख्सियत आमोद कांत जी से, जो एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और बहुत सारे पदों पर उन्होंने काम किया है। और जो सबसे उनका सराहनीय प्रयास है वो प्रयास है, जो प्रयास में वो बच्चों को, बेसहारा बच्चों को पढ़ने की जगह देते हैं, पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे ना जाने किन किन फील्ड में चले गए। इनसे हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो बच्चे गुमराह हो रहे हैं, या जो देश में जो बच्चे सड़कों पर घूम के गुमराही की राह पे अग्रसर हो रहे हैं, या जो मौजूदा स्थिति है, इनको कैसे हम समायोजित कर सकते हैं मुख्य धारा में। आमोद कांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रयास एक बड़ा प्रयास है, तो यह प्रयास जम्मू और कश्मीर में क्यों नहीं होता? नहीं, प्रयास को तो मैं वहीं लेके जाता हूं जहां प्रयास की जरूरत होती है। जरूरत तो वहां भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, या जहां से लोग बुलाते हैं, या वो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जहां इसे काम करना है। जैसे करीब करीब 9 प्रदेशों में प्रयास है। 1988, 30 साल पहले मैंने शुरू किया प्रयास को एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से। फिर समय के मुताबिक, जरूरतों के मुताबिक प्रयास के सेंटर बनते चले गए। करीब 240 शाखाएं अभी हैं, जिनमें की कोई 50 तो हमारे होम्स चलते हैं, शेल्टर्स चलते हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, होमलेस लोगों के लिए, और को वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम 9 प्रदेशों में चलते हैं हमारे। डिजास्टर जहां जहां हुए, जैसे सुनामी आया अंडमान में, या बहुत बड़ा तूफान आया कहीं पे, और फिर आपको भूकंप आया गुजरात में, बिहार में बाढ़ आई बहुत जोर की, तो हम नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होते चले गए। कश्मीर में कुछ दिनों से मैं काम कर रहा हूं और प्रयास की मदद ले रहा हूं। जैसे कश्मीर में अभी मुझे याद है, ठीक 1.25 साल पहले की बात है, कि सेव द चिल्ड्रन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, मैं उसको मॉडरेट कर रहा था, और उन्हीं बच्चों की बात हो रही थी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। वो बच्चे जो बहुत बड़ी संख्या में कश्मीर में हैं, और बच्चे हैं इसलिए उनको राजनीतिक संघर्ष में नहीं आना चाहिए, बच्चे हैं इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत उनके साथ अलग व्यवहार होना चाहिए, बच्चे हैं तो उनके सामने एक दूसरे ढंग की जिंदगी है जिसको पूरा करने की कोशिश हमको करनी चाहिए। तो फिर उसी दिन इत्तेफाक से होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि पहले 4000 बच्चे, फिर 11000 बच्चों को हम उनके केसे विड्रॉ करेंगे, जो स्टोन पेल्टर्स हैं, पत्थर फेंकने वाले, जिनको कनी जंग कहते हैं वहां पे, कश्मीर की भाषा में इसको कनी जंग कहते हैं, कि कनी जंग करते हैं वो स्टोन के साथ, वो जो कुछ करते हैं। तो उस समय इत्तेफाक से मैं वहां था और कोई 20-30 ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी, सभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे वहां के लोकल। हमने पूछा कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में, क्या चाहते हो आप करना? उन्होंने सबने हामी भरी और कही कि हम बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, कम्युनिटी के साथ काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि इनका बच्चों पर अख्तियार है, बच्चों के साथ इनका संबंध है, तो मैंने वापस आकर के ये बात बताई होम सेक्रेटरी राजीव गावा साहब को। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात की और चीफ सेक्रेटरी उस समय जो थे उनसे बात किया और कहा कि आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, और मेरे बारे में कहा कि उन्हें बुलाइए। तमाम लोगों से बातचीत हुई, फिर एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, और वो सिलसिला अभी हाल में एक बहुत ही बड़े पैमाने पे सामने आया। करीब करीब 60 ऑर्गेनाइजेशन वहां की, और कोई 10 ऑर्गेनाइजेशन बाहर की जो वहां काम करती हैं कश्मीर में, लाखों लाख लोगों को वो देखते हैं, उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई 14 अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उसके लोग पहुंचे हुए थे जो सभी काम करते हैं कश्मीर में। पूरे कश्मीर की सरकार थी, 2 एडवाइजर्स थे, सारे सेक्रेटरीज थे, और ये तमाम लोग थे। और इत्तेफाक देखिए कि वहां पे उस वक्त आर्टिकल 35 की वजह से ब्लॉकेट था कश्मीर में, उसके अगले दिन बड़ी बारिश भी हो रही थी, और तो भी तमाम वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आए और बहुत खुल करके बातचीत हुई कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के विकास के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन के लिए क्या क्या काम होना चाहिए, मुख्य धारा में कैसे वो आए, कैसे काम करें। पूरी तरह से ये नॉन पॉलिटिकल बातचीत थी, क्योंकि बच्चों की कहानी अलग होती है, यानी जो बच्चे 18 साल से कम है या युवा वर्ग के लोग हैं, तो वो सारी बात होती रही। और अब हम चाह रहे हैं कि उनको और जोर शोर से उनके साथ काम करें, जैसा काम हम देश के अलग हिस्सों में करते हैं, दूसरे प्रदेशों में करते हैं, वैसा ही काम कश्मीर में करना चाहते हैं। आमोद जी, कहते हैं कि भूखमरी और बेरोजगारी एक ऐसी वजह है जो तमाम समस्याओं को जन्म देती है। आप नीति आयोग में भी SCOs के बड़े उसमें पोस्ट पे हैं आप, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यहां से फंड से, यहां से जो पैसे जम्मू और कश्मीर में भेजे जा रहे हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उसका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, किसी भी वजह से? सिर्फ भ्रष्टाचार ही वजह नहीं है, और भी किसी वजह से उसका यूटिलाइजेशन ना हो रहा हो, पॉलिटिकल वजह हो सकती है, और भी तमाम वजह है। नहीं,
नहीं, आश्चर्य की बात यह है, जो कि एक बुरी बात है, मुझे आश्चर्य हुआ थोड़ा सा कि वहां के जो तमाम वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस आए उस मीटिंग के लिए, जिसमें नीति आयोग के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स मौजूद थे, और तो ऐसा लगा कि जैसे वहां के वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को तो पैसे मिले ही नहीं, बहुत कम मिले हैं। ये अलग है कि कोई 10,500 करोड़ वहां के सोशल सेक्टर्स में, यानी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, डेवियंट्स के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, एनवायरमेंट के लिए, इन तमाम कल्चर के लिए, इन तमाम चीजों के लिए पैसे गए कश्मीर में, बहुत ज्यादा पैसे गए। लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल वहां के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से नहीं हुए हैं, और ये गलतफहमी है। इसलिए ये बात सरकार सोच रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका जायजा लिया और हम लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि भाई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस तो आपके रियल पार्टनर्स हैं, उनकी पार्टनरशिप में आप कम्युनिटी में जाते हैं, कम्युनिटी में लोगों के साथ काम करते हैं, आप कीजिए, बड़े मजे में कीजिए, वो भी तैयार, आप भी तैयार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसे का गलत इस्तेमाल तो मैंने देखा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अब सरकार के कार्यक्रम में या बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं, स्कीम है, उसमें अगर गलत इस्तेमाल हो रहा हो तो उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, उससे मेरा वास्ता भी नहीं है। मेरा वास्ता सिर्फ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, सिविल सोसाइटी के साथ है, क्योंकि नीति आयोग में एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, मैं उसका मेंबर कोऑर्डिनेटर हूं, मैं देखता हूं, उसकी देखभाल करता हूं तमाम संस्थाओं के साथ मिलकर के। आपने जुबेनाइल जस्टिस पे और बच्चों पे प्रयास के जरिए बहुत काम किया है। जो लोग जुबेनाइल के नाम पे अपराध करते हैं और उनको लगता है कि इस दायरे में हम बच जाएंगे, बहुत सारे रूल्स में चेंजेज भी किए गए हैं, आपको क्या लगता है कि उनको एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे उनके साथ काम करने की जरूरत नहीं है? बड़ी सारी गलतफहमियां हैं, गलत फहमियों में एक ये भी शुमार है जुबेनाइल्स। देखिए, देश में जो बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको सुरक्षा संरक्षण की आवश्यकता है, वैसे बच्चे जिनको कानून के दायरे में लाना चाहिए, चाहे उनकी मदद करने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन के लिए, या उनको रोकने के लिए उनकी बदमाशी करते हैं, चाइल्ड ऑफेंडर्स होते हैं। एक तरफ हमारे पास ऐसे बच्चों की संख्या कोई 2.5 करोड़ के आसपास है जिनको मदद की आवश्यकता है, हमारे यहां ऑर्फन्स ही जो ऐसे देश में है जो करीब 2 करोड़ के आसपास है। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो अपराध करते हैं उनकी एक साल में संख्या मुश्किल से 35 से 40 हजार होती है, बस 35 से 40 हजार जो रिकॉर्डेड होते हैं, और उनमें जो जघन्य अपराध करते हैं, जिनके लिए कानून बदल गया, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, इसी कानून को बदलने की प्रक्रिया में ही मैंने अपोज किया था, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुआ, मैंने कहा कि कानून बदल करके बच्चे को अचानक आप वयस्क ना बना दें, 16 साल से कम बच्चों को, 16 साल से ज्यादा बच्चों को आपने वयस्क बना दिया ये कहकर कि ये गलत करते हैं या अपराध करते हैं, तो उसमें जो 3-4 हजार या 5 हजार अपराध बच्चे पूरे साल में करते हैं, क्या 5 हजार बच्चे इतने खतरनाक हो गए कि उनको आप मिलकर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? 1.3 बिलियन की आबादी में 5000 बच्चे, 25 से 30 लाख पुलिस फोर्सेस पूरे कंट्री में है। मेरा ये कहना है कि इस समस्या को लोग कुछ ज्यादा ही बड़े स्वरूप में देख रहे हैं। भारतवर्ष के बच्चे दुनिया के तमाम बच्चों से कहीं ज्यादा शरीफ हैं, कहीं ज्यादा संभले हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अमोद कंठ जी से, जो एक सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं और आप पे चर्चा करेंगे, ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट को इन्होंने हैंडल किया है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की देखभाल कैसे हो, वो बच्चे जो अपराधी मानसिकता के हैं, कई जगह उनको आपराधिक बना दिया जाता है, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि भारत के बच्चे विदेश के बच्चों की तुलना में ज्यादा भोले भाले हैं, इसलिए उनको प्यार से केयर करने की जरूरत है। चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, बात कर रहे हैं अमोद कंठ जी से। अमोद जी, आपने कहा कि भारत के बच्चे बड़े प्यारे हैं और विदेशों की तुलना में शरीफ हैं। आपने सिक्योरिटी के बड़े सारे आयाम देखे हैं, इतने आयाम देखे हैं जो शायद एक आम आदमी देख ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। एक अभी दिल्ली की हमने कहानी सुनी कि उसकी मां और बहन ने यह कहा कि तुम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, तो उसने अपनी मां और बहन दोनों की हत्या कर दी। आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी इसमें? नहीं, ये बड़ी भयानक बात है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी घटनाओं के भयंकरता को कहीं से कम महत्व दे रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत भयानक है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो इसकी तैयारी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, बच्चों में वो तमाम बातें होती हैं
जो तमाम बातें समाज में होती हैं। समाज में और दिल्ली का समाज और दिल्ली का शहर बहुत वायलेंट सिटी है। दिल्ली के अलावा देश के बहुत सारे और भी हिस्से हैं जहां वायलेंस ज्यादा है, कुछ जगह वायलेंस कम है, लेकिन अब उस वायलेंस से ही अफेक्टेड होते हैं। मानसिकता उनकी वही होती है जो आसपास के लोगों की होती है, वो सीखते हैं, उसी कंपनी में रहते हैं। हम जब इनकी तलाश करें कि ये इस बच्चे ने ऐसा किया तो उसका क्या परिवेश होगा, क्यों उसने किया, इस गहराई में जाने की आवश्यकता है। और मैंने देखा है कि अगर बच्चे छोटे छोटे अपराध करते हैं, छोटा छोटा गलत काम करते हैं और परिवार और आसपास के लोग उसको नहीं रोक पाते हैं तो वही एक बड़ी घटना में परिवर्तित हो जाता है। पुलिस में भी मैंने देखा, मैं 34 साल पुलिस में रहा, हर पद पे रहा, सीबीआई में रहा, राजीव गांधी हत्याकांड, दलित माकन हत्याकांड, अर्जुन दास हत्याकांड, टेररिस्ट केसेस, बड़े बड़े अपराध, जसका लाल केस सब देखा मैंने। अब जसका लाल केस की चर्चा उठा लें, एक लड़का जो भी जेल में ही है, आपको मालूम है, मनु शर्मा, सवाल उठता है कि इस ढंग के अपराध करने की क्या जरूरत थी उसको, क्यों वो आदमी ऐसा अपराध कर गया। उसकी भी एक स्थिति थी, उसकी भी एक खास परिवेश में वो आदमी ये काम कर रहा था। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस का या समाज का जो रोल होता है किसी भी ऐसे अपराधों को रोकने में, खास करके युवा अपराधों को रोकने में, वो बहुत ही अहम होता है। हम जानते हैं कि ये गलती हो रही है, हम जानते हैं कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है, सब कुछ लोगों की निगाह में होता है और हम उसको रोक नहीं पाते हैं, रोकते नहीं हैं। अब नहीं रोकने के बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन नहीं रोकने की वजह से ही अंत में जाके वो ऐसे अपराध करते हैं, इसके बारे में पक्का विश्वास हमारा है जो मैंने हजारों केस में देखे। डॉक्टर साहब, जब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की बात होती है तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे कैसे सुरक्षित रहते हैं, और ऐसा नहीं है, हमारे दो दो प्राइम मिनिस्टर मारे जा चुके हैं, इंदिरा जी, राजीव जी। आपको क्या लगता है कि जब आप सुरक्षा देखते थे और आज की सुरक्षा में क्या डायमेंशनल चेंज आया है, कितना शिफ्ट आया है इसमें? बहुत फर्क आया, बहुत ज्यादा फर्क आया है। सुरक्षा तंत्र में फर्क आया है, हम जैसे देखते हैं उससे फर्क आया है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और मैं दिल्ली पुलिस में था तो 3 मकान इकट्ठे थे, 1 अकबर रोड, 1 सफदरजंग रोड, 1 अकबर लेन। उसमें एक मकान जो था पीछे वाला, वो हम लोगों के पास था। अब मुझे याद है मैं कम से कम 50 रात या 100 रात सोया हूं वहां पे, हम लोग खुद देखते थे, छोटा सा माहौल था, छोटी सी सुरक्षा थी, हम लोग काम करते थे। उसके बाद समय गुजर गया, 1984 इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी की हत्या से पूरा परिवर्तन, बहुत भयानक परिवर्तन हुआ। तब तक ये और शुरू हो चुका था, दिल्ली एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया, टेररिज्म का एक्सटेंशन बन गया पूरे देश के टेररिज्म का, वो बात एक अलग कहानी थी। उसके बाद भी थोड़ा बहुत शांत हुआ, 1991 राजीव गांधी की हत्या हो गई, वहां पे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, सीबीआई जा चुका था मैं तब तक। अब राजीव गांधी की जो हत्या हुई, इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप ने आकर के भारतवर्ष में एक हत्या की, भयानक हत्या की, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सबों को मालूम था कि यह हो रहा है। मुझे जो केस मैंने इन्वेस्टिगेट किया डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे, 2 दिन के अंदर राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके अगले दिन मैं पहुंच गया सीबीआई की टीम लेकर के, और 2 या 3 दिन के अंदर मुझे मालूम हो चुका था कि हत्या किसने की है। और मुझे मालूम नहीं हुआ कि मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी हमने इन्वेस्टिगेशन की, मैंने कुछ नहीं पता किया, सिर्फ यह मालूम किया कि इस पैटर्न पे कौन सी हत्याएं हुई है, और पता लगा कि पद्मनाभा EPRLF LTT के समान दूसरा ग्रुप था, उसके चीफ को LTT वालों ने एकदम सड़क पे मार दिया, सड़क मतलब घर पे मार दिया, और ओपन एक ब्रॉड डेलाइट में जो किलिंग होती है भयानक करने के बाद, और भाग चले। और उनमें हत्यारों में जो सबसे एक्टिव आदमी था शिवरासन, उसने राजीव गांधी की हत्या की, वही व्यक्ति वही ग्रुप ने हत्या की। क्या वजह थी, क्यों किया उसने ऐसा? इसलिए किया कि उसको लोगों ने स्वीकार कर लिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने की पुराने केस की भी, और वही व्यक्ति मिला और वही ग्रुप मिला। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो उसमें भी लोगों में लेथार्जी थोड़ी सी हो गई और फिर उसको ढंग से ट्रीट नहीं किया गया। लेकिन जहां तक एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की बात है, देश में सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के लिए जो अब तैयारियां हैं वो 100 गुना ज्यादा तैयारियां हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन तैयारियों के माध्यम से सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर की रहेगी और रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री सिक्योर्ड नहीं होगा तो देश सिक्योर्ड नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, और एक बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर आज हैं तो उनकी सिक्योरिटी तो बहुत ही
अहम जगह रखती है अपने लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये ठीक ठाक रहेगा। लेकिन ये कॉपरेशन की बात होती है, जैसे राजीव गांधी हैं या और लोग हैं, थोड़ा केयरलेसनेस था, बहुत अपने आप को एक्सपोज करने की आदत थी और वो महंगे पड़ा। अगर वो केयरफुल होते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो VIP होता है या प्रधानमंत्री या कोई होता है, अगर उसको रिस्क है, डेंजर है, थ्रेट है, तो उसको कोऑपरेट करना पड़ता है। हम जुवेनाइल क्राइम की बात कर रहे थे, लेकिन इनसे हमने एक सवाल पूछा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को इन्होंने बहुत करीब से हैंडल किया है और लीड भी किया है। हमने बात की नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा की, राजीव जी की भी बात की, इंदिरा जी की भी बात की, और इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी केयरलेसनेस थी जिसकी वजह से राजीव गांधी की हत्या हुई। अगर शायद वो थोड़े से केयरफुल रहते तो ये स्थिति नहीं आती। बात करेंगे और तमाम चीजों पर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देश के बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अमोद कंठ जी से। इन्होंने बात कही कि देश की सुरक्षा व्यवस्था खास करके प्राइम मिनिस्टर की बहुत बेहतर है। एक बात होती है कि कभी प्राइम मिनिस्टर बच्चों से मिल लेते हैं, कभी राहुल गांधी बैरिकेड तोड़ के बाहर चले जाते हैं, सोनिया जी तो खैर नहीं जाती हैं, लेकिन ये कितना चिंता की बात है? नहीं, ऐसा उनको भी शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति एक, एक बहुत बड़ा एक सिंबल होता है, एक उसके माध्यम से पूरे देश की सुरक्षा या पूरे समाज की सुरक्षा कहीं ना कहीं इंगित होती है। तो इसलिए ऐसा करना सही नहीं होता है, मैं समझता हूँ। मैंने थोड़ा बहुत शायद पुलिस का एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड होगा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो कर रहा है सारी चीज़। लेकिन एक उसमें जरूरी होता है कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पुलिस टैक्टिक्स में या सिक्योरिटी सेटअप में। बहुत तैयारी के बाद भी किसी व्यक्ति की हत्या हो सकती है, किसी भी मतलब ऐसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है या उस पर आघात हो सकता है बहुत तैयारी के बाद, और बहुत तैयारी न भी हो तो सुरक्षित रह सकता है। अगर जो लोग उस पर आघात करने वाले हैं उनके बारे में खबर मिलती रहे, सही, इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर देखा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के फेलियर की वजह से हत्याएं होती हैं, दोनों जगह हुई, इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की हत्या में भयानक फेलियर था इंटेलिजेंस एजेंसीज की। लोग बेशक अपनी तारीफ करते रहे, मुझे तो मालूम है कि क्या फेलियर था, तो वो फेलियर एक बात होती है। और दूसरी बात जो सरप्राइज का एलिमेंट होता है कि आप मान लीजिए अचानक कहीं कोई जा रहा है, प्रोग्राम कुछ और है, कुछ और कर दिया, तो आम तौर पे उस सरप्राइज का फायदा जो है उस व्यक्ति को होता है जो कि लीडर होता है, लेकिन हरदम कामयाब नहीं हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। अभी हम महाशक्ति के तौर पे हम उभर रहे हैं और हमने बात की, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, पूरे विश्व के लिए इशू है। तो जिस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था या ट्रंप की है या व्लादिमीर पुतिन की है या जो बाकी तमाम लोगों की है, उसके मुकाबले हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी कहां पे स्टैंड करती है, या उनसे ज्यादा है, बराबर है, या ऐसी कोई चिंता की बात नहीं? नहीं, मैं समझता हूं कि भारतीय प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी अभी जो एपरेटस हमारे पास है, जो पूरा सिस्टम बन गया है, वो शायद किसी से ज्यादा कम नहीं है। अब सवाल ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, अब ट्रंप साहब भी थोड़े कलाकार किस्म के आदमी है, वो क्या करेंगे पता नहीं चलता है। जहां तक मैं समझता हूं कि व्लादिमीर पुतिन की बात है, रशियन, वो भी बहुत सिक्योरिटी में उनका विश्वास है, हालांकि बहुत वो बाहर जाने वाले आदमी हैं, बहुत एक्टिव हैं फिजिकली और यहां वहां घूमते रहते हैं, लेकिन हमारी भी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पहले से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्क आया है ये मैं कहूंगा, और घटनाओं से सीखा है हमने, तो वैसे ठीक ठाक है जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन कोई गारंटी नहीं हो सकती है, खास करके जब हम लोग ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं कि अधिकतर जो अभी आघात हो रहे हैं वो सुइसाइडल ढंग से हो रहे हैं, आत्महत्या करते हुए कोई फिदाई किस्म के लोग होते हैं या उस ढंग की जो ग्रुप्स होते हैं। भाई LTT में भी क्या हुआ, वही हुआ, राजीव गांधी को मार दिया इसलिए कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस ढंग की कोई लड़की वहां पर आ जाएगी और आकर के वो अपने को ब्लास्ट करके और राजीव गांधी को मार देगी, उम्मीद नहीं थी। अब तो दुनिया में अधिकतर जो अटैक्स हो रहे हैं ऐसे हो रहे हैं और इनमें सिक्योरिटी लाना बहुत कठिन है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिदाई अटैक्स जो होते हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इस चैलेंज का संपूर्ण काट मैं समझता हूं कभी नहीं हो सकता है।
इसमें कहीं ना कहीं लूपहोल मिल सकता है, और लूपहोल मिलने की वजह से फिर ये इस ढंग की बात हो सकती है। चलते चलते दो सवाल आमोद कंठ जी, राहुल गांधी हमारे देश के नेता हैं और तमाम इंटेलिजेंस और उसकी रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने सुरक्षा घेराव को कई बार तोड़ दिया है। जाहिर सी बात है कि उनकी सिक्योरिटी भी प्राइम मिनिस्टर जैसी तो नहीं होगी, लेकिन बराबर ही उनकी सिक्योरिटी है। उनको क्या क्या और ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि ये लोग कितने सुरक्षित हैं। देखिए, ये जो तोड़ने वाली आदत है या तोड़ने का तरीका है, जाहिर है कि उनके परिवार में भी, उनके बैकग्राउंड में पीछे इस ढंग की घटनाएं हो चुकी हैं, और एक सिंबल है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये तो गलत है। और वैसे भी किसी नेता को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्रीय स्तर पर उभर के सामने आ रहा हो या हो, उसकी वो जगह बन गई, तो उसे ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, तमाम लोगों के लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है, समाज के लिए होता है। और फिर जो तंत्र उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है, दे रही है, पुलिस के लोग हों, इंटेलिजेंस के लोग हों, उन सबों के प्रति भी उसकी जिम्मेवारी होती है। तो इन जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी किस्म के लोगों को शायद ज्यादा सतर्क भी होना चाहिए, ज्यादा जिम्मेवार होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, जम्मू और कश्मीर में टेररिज्म अपने पीक पे है और तमाम प्रयास के बावजूद भी वो हम किसी भी तरीके से उसको पैसिफाई नहीं कर पा रहे, नलिफाई नहीं कर पा रहे। हमने बात बच्चों के अपराध से शुरू की थी, फिर मैं वहीं पे ले चलता हूं। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, 19 साल, 20 साल, 21 साल के बच्चे आ रहे हैं, इनको कैसे काबू किया जा सकता है, इनको कैसे समझाया जा सकता है कि वो भी हमारे अपने हैं? मुझे तो ये बहुत कठिन नहीं लगा। मैं कश्मीर जाता हूं, लोगों से बातचीत होती है, मैं बहुत सारी संस्थाओं में गया, बहुत सारे बच्चों से बात की, और बहुत सारी संस्थाएं जो वहां की एकदम जमी हुई संस्थाएं हैं, जो लोगों के साथ काम कर रही है, हजारों लाखों लोगों से जुड़ी हुई है, जब उनके साथ मैंने काम किया, उनके साथ बातचीत और हर जगह गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कश्मीर की समस्या बड़े गहरे तौर पर राजनैतिक उसका एक रंग है, और उसमें हर आदमी सने हुए हैं। लेकिन उससे अलग एक बहुत बड़ा जो एक क्षेत्र है जो खुला है, जिसमें कि कोई भी काम कर सकता है, वो क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक है। सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप उन लोगों के साथ काम करें जिनको आपकी आवश्यकता है, जो नहीं चाहते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में रहना, जो वहां पे एक सबसे बड़ी चीज बन गई है, वो अभी भी नहीं चाहते हैं। और आश्चर्य यह है कि मैं जहां जहां जाता रहा, हर जगह वहां के लोगों ने बार बार कहा कि मीडिया ने गलत पिक्चर दिया है। मीडिया को वो ही ब्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि मीडिया ने इतनी बड़ी तस्वीर बना रखी है जैसे कि सब कुछ यहां ही हो रहा है, आपको क्या गलत नजर आता है? मैंने कहा कुछ नजर नहीं आता, मुझे सब ठीक ठाक लग रहा है, नॉर्मल है, कभी कभार या जो कुछ होना है वो होता रहता है। तो इन दोनों को सेपरेट करके देखने की जरूरत है, बच्चे, आम आदमी, महिलाएं, स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं, आम जीवन, ये वैसे ही रह सकता है काफी हद तक, अगर इस पे लोग ध्यान से काम करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिविल सोसाइटी का एंगेजमेंट कश्मीर में बहुत कमजोर है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसमें कुछ करूंगा। ये थे आमोद कंठ जी, जिन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट जम्मू और कश्मीर के युवकों के साथ बहुत कम है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है। और साथ साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो नेता देश के लिए एक भावी प्रधानमंत्री के तौर पे या किसी भी तौर पे डेवलप हो रहा हो, उसको अपने सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ पुलिस के ऊपर या एजेंसी के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते, उसमें आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। बात करेंगे किसी और महानुभाव से, किसी और शख्सियत से, दूसरे कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। आमोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।